पर जो चीख बड़ाई नहीं लिखा हुआ है, जो खतियानी त्रुटि है, उससे उसके कारण जो जनजाति समुदाय को प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है उस संदर्भ में है। अध्यक्ष महोदय, सवाल का जो जवाब सरकार से मुझे मिला है, मैं उससे पूरे तरीके से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मुख्य रूप से सरकार ने मुझे केवल प्रक्रिया बताया है अध्यक्ष महोदय कि उस प्रमाण पत्र को पाने की क्या प्रक्रिया है। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा मामला है जो लगातार सदन में आता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में भी ये सवाल आया अध्यक्ष महोदय, मगर आज तक ये सवाल जिंदा है क्योंकि इसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल आपसे यही मांग है, इस सदन से यही मांग है, सरकार से ये मांग है कि एक उच्च स्तरीय कमिटी बना दिया जाए, जिससे ऐसे कई सारे अन्य जनजाति समुदाय भी है जिनको प्रमाण पत्र बनाने में मुश्किल हो रहा है, चाहे चीख बड़ाइक हो, लोहरा समाज हो, पाइक समाज हो, इनका प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पा रहा अध्यक्ष महोदय। और आपको बताना चाहूंगी कि अभी केवल कुछ ऐसे अधिकारी है, जो अंचल अधिकारी ने मेरे पास एक टेटई टांगर का सिमडेगा का एक मामला भी आया अध्यक्ष महोदय, जिनको जो लोहरा जाति के जो व्यक्ति थे उनका प्रमाण पत्र देने से इस अधिकारी ने मना किया, और क्या उसने रीजनिंग दिया है कि उसके परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों का मूल धर्म संस्कृति छोड़ के धर्मांतर कर अपना धर्म दूसरे धर्म का पालन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हु इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू टेल इफ आई एम अ ट्राइबल और नॉट अ ट्राइबल, क्योंकि ये डीलिस्टिंग का मामला है। आपके पास क्या आप पार्लियामेंट है, आप क्या प्रेसिडेंट है, या आपके पास कोई केंद्र सरकार का गैजेटेड नोटिफिकेशन आया है? इस तरह का मामला हमारे झारखंड में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो केवल मेरा सरकार से यही निवेदन है, क्योंकि हम बार बार अपने भाषण में यहाँ पे सब लोग इस बात को कहते हैं कि जनजाति समुदाय को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है, मगर और 1932 का हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, जो हमारे हाथ में है, अगर उस चीज को हम संरक्षण नहीं दे सकते अपने पेपर कागज और हवा वाली बात होगी, इसीलिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसी एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें एक कमिटी बनाया जाए। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री का जवाब सुन लीजिए। माननीय सदस्य साहब, शिल्पा नेहती की जो मूल प्रश्न है वो इनसे संबंधित है, चीख बड़ाइक, जो भारत सरकार का इसमें चीख बड़ाइक लिखा हुआ है, और यहाँ जो खतियान है उसमें दोष छूट गया, अलग अलग कर दिया है, चीख कम कर दिया, बड़ाइक कम कर दिया, और जिसके चलते ये जो है सर्टिफिकेट निर्गत नहीं हो पा रहा है। मैंने सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं, और भी जनरल लोगों का भी सर्टिफिकेट में काफी कमी दिखाई दे रहा है, निर्गत कट में काफी तकलीफ भी हो रहा है, और जो दिया है मापदंड कैसे दिया जाएगा, सही में ये जो है, हम पहले भी कल या परसों इस तरह की बात उठी थी तो हमने कहा साफ शब्दों में जो इसको सरलीकरण हमको करना होगा, कहे हम खतियान के आधार पर नहीं तो उसका जाति का जो उसका रहन सहन जो भी है उसको देखकर हम देने के लिए बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए समय पर नहीं मिल रहा है। मैंने इस संबंध में बात भी किए थे, और जहां तक ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी के बारे में, ये बड़ाई के बारे में इसके पहले भी एक बार कमिटी तत्कालीन जो थे सरकार उसी समय बनी थी, उसका रिपोर्ट भी अभी तक हम लोग को नहीं पहुंचा, तो मैं निश्चित तौर पर ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी में जो बनाए थे दो चार आदमी को उससे मंगवा लेंगे, और मैं सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट उसको सहज और सरलीकरण करने की व्यवस्था सरकार ने लिया है और आगे हम लोग करेंगे।